All right, the latest news break coming in, the possibility of BJP and TDP coming together again in the state of Andhra Pradesh. BJP's ally Pawan Kalyan's Janasena party wants to bring the two together. In the latest assembly elections, TDP, Janasena and the BJP had contested separately. Will TDP return to the NDA fold? It does seem right before Lok Sabha elections, the BJP once again ally shopping, and where Andhra Pradesh is concerned, the TDP now looking like a plausible bet. Murmurs also rife, possible overtures being made where the Akalis are concerned in the state of Punjab. Let's cut across immediately to my colleague Himanshu Mishra, who's joining us live with the latest. Himanshu, get us up to speed with the latest. Also very interesting, Himanshu, when, of course, Chandrababu Naidu was in jail, not much came in from the BJP's side. Himanshu, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी. प्रीति, जब चंद्रबाबू नायडू जेल गए उससे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और अलायंस को लेकर कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन तब फाइनलाइज नहीं हो पाई थी क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं टीडीपी इस बात को लेकर नाराज थी कि एक बड़ा फाइनेंशियल पैकेज जो है वो आंध्र प्रदेश को दिया गया है. जगनमोहन रेड्डी ने मुलाकात की थी तब प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री से. उसके बाद उनका पैकेज रिलीज किया गया था, तब अलायंस की बात नहीं हो पाई. उसके बाद जगन चंद्रबाबू नायडू जो है वो जेल चले गए. उस जेल से आने के बाद इस चीज को लेकर बीजेपी और टीडीपी की कुछ संभावनाएं बनती नजर आ रही है. बातचीत का क्रम जारी है और बीजेपी चाहती है कि इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में, 24 के लोकसभा चुनाव में जो है 7 सीटें जो है उनको दी जाएं, क्योंकि 2014 में जब बीजेपी और टीडीपी का अलायंस हुआ था तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे चुनाव लड़ा था, 2 सीटें जीती थी. और बीजेपी चाहती है कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 24 में एक साथ होंगे तो 25 विधानसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिए जाए. लेकिन टीडीपी मुझे नहीं लगता कि इसके लिए एग्री कर रही है, लेकिन नेगोशिएशन जो है अभी भी जारी है. लेकिन एक तरीके से अगर की पॉइंट है तो वो है पवन कल्याण की पार्टी जनसेना. जनसेना जो है वो एनडीए का पार्ट है, लेकिन टीडीपी और जनसेना ये बात का अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि दोनों पार्टियां मिलकर जो है लोकसभा एक साथ लड़ेंगी. और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर अगर कहीं कमल खिलाने की संभावनाएं हैं तो वो टीडीपी और जनसेना के साथ बन सकती हैं. और इसलिए इन संभावनाओं को जो है खंगाला जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की बात जो है वो की जा रही है. और इसी कारण से टीडीपी की तरफ से भी बातचीत जो है वो की जा रही है, लेकिन टीडीपी इसके लिए बहुत ज्यादा की नजर नहीं आती है. टीडीपी का मानना है कि अगर बीजेपी के साथ अलायंस होगा तो उनका जो मुस्लिम वोटर्स है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो खिसक सकता है. और पूरे आंध्र प्रदेश में जो है 6% जो है मुस्लिम वोटर्स है और जो लगभग जो है 27 से 28 सीटों पे जो इफेक्ट डालता है विधानसभा की. तो कहीं ना कहीं टीडीपी को इस बात का अंदाजा है कि अगर बीजेपी के साथ अलायंस होगा तो मुस्लिम वोटर्स कहाँ जाएगा, और इसीलिए वो अलायंस के लिए इतने नहीं नजर आते हैं. उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आफ्टर पोल यानी कि लोकसभा रिजल्ट के बाद जो है संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन बातचीत का क्रम अभी भी जारी है. दोनों ही कोई ना कोई मिड रास्ता निकालना चाहते हैं और ये माना जा सकता है कि जल्द जो है अलायंस को लेकर एक बार फिर से बातचीत जो है वो शुरू हो. इसके बीच में हिमांशु, क्या अकालीज भी आ गए हैं क्या कहीं पर? बातचीत वहां पर भी कहीं शुरू है? देखिए, मुझे लगता है कि बातचीत अकालीज के साथ भी हो रही थी और अकाली दल की तरफ से जो बातचीत का क्रम था वो जारी था. सुखबीर बादल ने जो है पार्लियामेंट सेशन के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी, लेकिन तब ये बातें बहुत वो एक बड़े इश्यूज को लेकर जो है वो प्रधानमंत्री से मिले थे. लेकिन जब दो राजनेता मिलते हैं तो जिस राज्य से सुखबीर बादल आते हैं वहां दोनों का अलायंस रहा है. अकाली दल सबसे पुरानी अलाई पार्टनर रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं ना कहीं अलायंस को लेकर जरूर कुछ बातें हुई होंगी. लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अकाली दल की पॉलिटिकल पार्टी की जो नेशनल काउंसिल ने जो है वो बैठक की थी, उसमें अधिकार दिया था कि अगर सुखबीर बादल जो भी फैसला लेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस का हो या जो श्रोमणी अकाली दल की ढिंडसा है उसको मर्जर की बात हो, वो सारी चीजें सुखबीर बादल को लेनी है. लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि श्रोमणी अकाली दल का जो अलायंस है वो बीएसपी के साथ स्टैक्ड है. और अकाली दल का ये मानना है कि जितना वोट शेयर जो है वो बीजेपी का है उतना ही वोट शेयर बीएसपी का है. तो हम अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो हमारी सीट कम हो जाएंगी, क्योंकि जो 13 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 3 जो सीटें हैं
वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अलायंस में लेती रही है, और इधर जो है अकाली दल बीएसपी को एक सीट देने के लिए तैयार रहती है और बीएसपी उस पर मान भी सकती है। तो उनका अलायंस 2022 के विधानसभा में जो है वो बीएसपी के साथ था, और अभी भी अकाली दल के बहुत से नेता ये कहते हैं कि हमको बीएसपी के साथ रहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले और उसके बाद कई अकाली दल के नेताओं को जो है अपनी पार्टी में शामिल कराया है, उनको तोड़ा है, और जलंधर का जो बाय इलेक्शन हुआ था उसमें चरणजीत सिंह अठवाल को उससे पहले पार्टी में शामिल कराया गया, और उनके बेटे को जो है वो विधान लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़े लेकिन वो चुनाव हार गए थे। चलिए बहुत शुक्रिया हिमांशु कि आप हमसे जुड़े। थैंक यू देयर माय कॉलीग हिमांशु ब्रेकिंग इट डाउन ऑन द बीजेपी एलाई हंटिंग। लेट्स क्विकली शिफ्ट फोकस टू द वॉर ऑफ वर्ड्स, द पॉलिटिक्स स्वर्लिंग अराउंड द राम टेंपल। हियर्स मोर। राजीव यादव